लोकल व्यूज न्यूज आर में खुशामदीद नजर डालेंगे आज की शोबिज और खेल की खबरों पर। हुमायूं सईद कहते हैं कि ये वक्त इंसान की खिदमत करने का है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के अदाकार हुमायूं सईद का कहना है कि ये वक्त इंसान की खिदमत करने का है। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करें हैं कि पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री और सबके पसंदीदा मायानाज अदाकार हुमायूं सईद ने समीना पीरजादा को इंटरव्यू देते हुए कहा, कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासर है, ये वक्त ऐसा है जब हम इंसानों की मदद करें, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब नस्ल या फिरके से हो। सबा कमर का फोन हैक करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नामालूम नौजवान ने अदाकारा सबा कमर का फोन हैक कर दिया जिसके बाद सबा कमर ने साइबर क्राइम से राब्ता करके इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकार जका के शो पर पाबंदी के फैसले की तस्दीक कर दी। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी मींस पैमरा ने निजी चैनल से नशर होने वाले वकार जका के शो चैंपियंस को जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नशर होने से रोक दिया था और 10 लाख रुपये जुर्माना भी आई किया था। बहरहाल अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकार जका के शो पर पाबंदी के फैसले की तस्दीक कर दी है। बॉलीवुड अदाकारों की अपने घरों और दफातर को क्वारंटीनिया सेंटर बनाने की पेशकश। मारूफ भारतीय अदाकार शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान की जानिब से अपने घर और दफ्तरों को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए क्वारंटीनिया सेंटर बनाने की पेशकश के बाद कई दिगर अदाकार भी मैदान में आ गए। मिसबाह उल हक साबिक क्रिकेटर्स के रिडार में आ गए। मोहम्मद यूसुफ के बाद आमिर सुहेल ने भी तनकीद के नश्तर बरसा दिए। साबिक ओपनर का कहना है कि पीसीबी ने मिसबाह उल हक का नाम वजीर आजम के लिए तजवीज़ नहीं किया, दीगर तमाम जिम्मेदारियां सौंप दें। साबिक कप्तान को तजर्बा ना होने की वजह से हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का दोहरा बोझ उठाने में नाकाम रहे। अरबाब इख्तियार की गैर पेशावराना सोच ने उमर अकमल का भी करियर तबाह कर दिया। पाक भारत मैच राजीव शुक्ला ने शुएब अख्तर की तजवीज़ को मजाक करार दे दिया। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह कर रहे हैं कि आईपीएल के साबिक चेयरमैन राजीव शुक्ला ने पाक भारत इमदादी मैच के हवाले से शुएब अख्तर की तजवीज़ को मजाक करार दे दिया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि शुएब अख्तर हंसी मजाक के आदि और मूड में हो तो इस तरह की बातें कर जाते हैं, अभी तो हम आईपीएल के बारे में नहीं सोच रहे। पाक भारत मैच कहाँ होगा, खिलाड़ियों को इजाज़त कौन देगा, लोग कैसे देखेंगे, मेरे ख्याल में ये एक मजाक है। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए लो प्रोफाइल चीफ की तकरीर मुतवक्के। लोकल व्यूज़ न्यूज़ आर से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए लोकल व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें।